दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों के लिए हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनमें से एक थे मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। लियोनार्डो डा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था। इसी कारण की वजह से उनके नाम के पीछे विंची लगाया जाता है। लियोनार्डो डा विंची इटली की राजशाही के दौरान एक वैज्ञानिक, खोजकर्ता व कलाकार के रूप में जाने जाते थे और उनको आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज यानी कि पुरातनवेत्ता के द्वारा दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होने का दर्जा भी दिया गया है। लियोनार्डो डा विंची एक बार में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते थे। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोना लिसा को लियोनार्डो डा विंची के द्वारा बनाया गया था, जो कि आज भी फ्रांस के लोवरी म्यूजियम में मौजूद है। इसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से 5,253 करोड़ है, जो कि कुछ इतना है। कहा जाता है कि मोना लिसा पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल अलग अलग नजर आती है, लेकिन दोस्तों ये रहस्य आज तक एक रहस्य ही है। लियोनार्डो डा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वे 51 साल के थे, और 2 मई 1519 में विंची पेंटिंग को पूरा किए बगैर ही ऊपर वाले को प्यारे हो गए। मोनालिसा को वैसे तो इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, मगर उसका सही नाम है मोनालिसा, इटली में जिसका मतलब होता है माई लेडी। कहा जाता है कि ये पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत पसंद आई थी, जिसके कारण उन्होंने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा दिया था। सन 1757 में मोनालिसा पेंटिंग को फ्रांस के लोवरी म्यूजियम में पाया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये पेंटिंग वहां कैसे पहुंची, ये आज तक एक रहस्य है। सन 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसके कारण मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया था। और फिर इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस पेंटिंग के लिए लोवरी म्यूजियम में एक स्पेशल रूम बनाया है, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है जिससे पेंटिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस कमरे को बनवाने के लिए म्यूजियम वालों ने तकरीबन 50 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस पेंटिंग को वहाँ एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। 21 अगस्त 1911 को ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई, पर हैरानी की बात तो ये है कि ये पेंटिंग 10 साल बाद फिर से वहाँ वापस आ गई। 14 दिसंबर 1962 को ये पेंटिंग 100 मिलियन डॉलर की थी, और गूगल के सर्च रिजल्ट से पता चलता है कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 5,253 करोड़ है। वाकई कुछ तो था इस पेंटिंग में, जो उस ज़माने में इतनी सारी टेक्निक उपलब्ध ना होने पर भी लियोनार्डो ने ऐसी पेंटिंग बना डाली जिसकी कीमत के आगे आज की आधुनिक टेक्निक की कलाकारी भी घुटने टेक देती है। लियोनार्डो डा विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपने फेवरेट पेंटिंग मोनालिसा का जिक्र कहीं भी नहीं किया, जिससे आज तक ये बात रहस्य बनी हुई है कि आखिर वो औरत है कौन जिसको डा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग में बनाया है। लेकिन माना जाता है कि 2005 में एक लेटर मिला था, इसको लियोनार्डो के मित्र ने लिखा था, और अपनी दूसरी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्डो से अपनी पत्नी जिया कोंडो की पेंटिंग बनाने को कहा गया था। जिस वक्त ये पत्र लिखा गया था उस वक्त विंची एक पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसलिए ये कह पाना पूरे तरीके से उचित नहीं होगा कि जिया कोंडो ही मोनालिसा है। 2004 में एक वैज्ञानिक पास्कल कोटे ने मोनालिसा पेंटिंग को स्पेक्ट्रल लाइट टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मल्टी लेंस कैमरे की मदद से अलग अलग उसके लेयर्स निकाल ली, और उसमें उन्हें ये पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो डा विंची ने जो पेंट इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, जो कि एक बाल से भी ज़्यादा पतली होती है, और उसमें कोयला भी शामिल था। ये बात भले ही आपको रहस्यमय ना लगती हो, मगर रहस्य तो ये है कि इतनी पतली चीज़ों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये पेंटिंग 500 सालों से भी ज़्यादा सालों तक सुरक्षित है। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो डा विंची ने स्फुमातो टेक्निक का इस्तेमाल किया है। इसमें पेंटिंग में कहीं भी आउटलाइन नहीं होती, और अगर कहीं होती भी है
तो उनको दो रंगों को आपस में मिलाकर सेमलेस बना दिया जाता है। एक शोध से ये पता चलता है कि डाविंची ने मोनालिसा पेंटिंग में कुछ शब्द ला रिस्पोस्टा सी ट्रोवा क्यूई लिखा था, जो कि इटालियन भाषा में था और हिंदी में इसका मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है, द आंसर इज हेयर। इस बात से ये पता चलता है कि शायद विंची पेंटिंग में छुपे हुए किसी रहस्य को बताना चाह रहे हों, लेकिन इससे पहले ही वो ईश्वर को प्यारे हो गए और यहाँ एक रहस्य छोड़ गए। हाल ही में ही एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रियोसेबल ने बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छुपा है। ये बात कितनी सच और कितनी झूठ है इसकी तो अभी पुष्टि नहीं की गई, मगर जब हम मोनालिसा की दो पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करकर मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बनकर आती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर कर देती है जब ये आकृति वहाँ बनती है जहाँ विंची ने लिखा था कि उत्तर यहाँ है। अब आप इस तस्वीर में खुद देख सकते हो कि मोनालिसा की दो तस्वीरों को मिलाकर ये तस्वीर क्या दृश्य दिखाती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको अपनी राय दूं तो मुझे नहीं लगता कि इस तस्वीर में कोई एलियन विलियन है, क्योंकि ये सब एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मोनालिसा पेंटिंग का रहस्य। आपको क्या लगता है, क्या ये तस्वीर सचमुच किसी एलियन की ओर इशारा करती है या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? अपने व्यूज मुझे नीचे कमेंट करें और बताएं। लाइक करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना, नहीं तो आप मेरे वीडियोस मिस कर देंगे।